आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वीडियो आप स्टार्टिंग में अभी अभी जस्ट देखे हैं तो इस वीडियो की तरह ही आप अपने मोबाइल फोन से आसानी से किस तरह से एडिटिंग कर पाएंगे अपना वीडियो। तो गाइज इस वीडियो का आपको एडिटिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत होगा जिसका नाम है कैन मास्टर। तो गाइज आपको कैन मास्टर अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल फोन से बहुत ही आसानी तरीका से इस वीडियो की तरह ही अपना वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। तो गाइज आपको इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल स्टेप को फॉलो करके एडिटिंग करना सिखाएंगे। तो गाइज आप इस वीडियो के स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइज चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि फ्रेंड इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा आती है और आती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश राज, आप देख रहे हैं राजे ऑफिशियल ट्रिक्स चैनल। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि फ्रेंड अगर आप बेल आइकन को ऑन कर लेते हैं तो इस चैनल पर हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो गाइस हम देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से एडिटिंग किया जाएगा इस वीडियो को छोटा सा स्टेप को फॉलो करके। तो गाइस बिना टाइम लिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं जो किस तरह से एडिटिंग किया जाएगा। तो गाइज कुछ इस प्रकार से आपको कैन मास्टर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको साइड में यहाँ पर देखिए प्लस आइकन का एरो बना हुआ है, उस एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको 9.16 वाला एरो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपका गैलरी खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जो वीडियो में आप एडिटिंग करना चाहते हैं, मतलब आप जो शूट करके रखे हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड हम वीडियो सेलेक्ट कर लिए हैं कुछ इस प्रकार से। डिलीट करने के लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर कैंची के निशान पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो खत्म हो चुका है। अपने वीडियो को कुछ इस प्रकार से आराम से आपको आगे बढ़ा लेना है और आप जहां से उड़ने की कोशिश कर रहे हैं वहां से आपको वीडियो के दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। यहां से हम वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहां पर कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे। कैंची के निशान पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीसरा नंबर सेलेक्ट कर लेना है, स्प्लिट एट प्लेहेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए फ्रेंड हमारा वीडियो दो पार्ट में बट चुका है। अब फ्रेंड वीडियो को इधर कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमारे वीडियो में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर खाली जगह है। तो फ्रेंड आप भी कुछ इस प्रकार से वीडियो शूट करते समय अपने वीडियो में खाली जगह शूट कर लीजिएगा। और फ्रेंड इस साइड वाला अब यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे। तो वीडियो पर फिर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे। कैंची के निशान पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमारा वीडियो कट चुका है और फ्रेंड वीडियो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड आपको भी कुछ इस प्रकार से वीडियो शूट कर लेना है। आपको फ्रेंड एक प्ले करके हम दिखा दे रहे हैं जो किस तरह से वीडियो आपको भी शूट कर लेना है। फ्रेंड यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट शायद यहाँ पर भी है तो यहाँ से भी हम इसको डिलीट कर लेंगे। यहाँ से हम कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से वीडियो का आराम से हम बढ़ा लेंगे और यहाँ से फिर वीडियो पर क्लिक करेंगे, फिर कैंची के निशान पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड। एक्स्ट्रा पार्ट फ्रेंड कट चुका है। अब फ्रेंड एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट में कुछ इस प्रकार से आ जाना है, आपको यहाँ आ जाना है। यहाँ आने के बाद यहाँ पर देखिए साइड में फ्रेंड आपको एक डिस्प्ले टाइप का ऑप्शन दिखेगा, इस डिस्प्ले टाइप का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंड फर्स्ट ऑप्शन है कैप्चर एंड सेव, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड हम इस फोटो को हम सेव कर लिए हैं अपने गैलरी में। अब फ्रेंड यहाँ से आपको बैक चलना है और आपको इस फोटो जो फोटो आप कैप्चर किए हैं उस फोटो को इरेजर करना होगा। इरेजर करने के लिए फ्रेंड आपको पिक आर्ट्स एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड आपको हम पिक आर्ट्स एप्लीकेशन पर चल के दिखा दे रहे हैं जो किस तरह से इरेजर किया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ से हम बैक चलेंगे।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एडिट अ फोटो, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से फ्रेंड, अभी हम जो फोटो कैप्चर किए हैं, जो फोटो आ चुका है, उस फोटो पर हम यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारा फोटो आ चुका है। अपलोड फोटो फ्रेंड यहाँ से हम इरेजर कर लेंगे। इरेजर करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे आपको ये कैंची का ऑप्शन है फ्रेंड, इसे हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारा फोटो कुछ इस प्रकार से रेड रेड हो चुका है, तो आपको भी इस तरह से रेड रेड कर लेना है। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए कुछ भाग ऐसा है, जैसे हैंड देखिए फ्रेंड, इस साइड भी कुछ बच चुका है, तो इससे हम अभी फिर से इरेज कर लेंगे। तो इरेज करने के लिए फिर इस पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और साइज के कुछ इस प्रकार से हम सेट कर लेंगे। अब फ्रेंड इस फोटो को ऐसे इस प्रकार से हम जूम कर लेंगे और इसको हम कुछ इस प्रकार से रेड कर लेंगे। आपको भी फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इरेजर कर लेना है। अच्छे से ढंग से फ्रेंड करना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट अगर आपका रेड हो गया है तो उसको आपको हटाना है, और जो पार्ट बच चुका है रेड करने में, उस पार्ट को आपको रेडिंग करना होगा। जिस तरह से हम कर रहे हैं फ्रेंड, उस तरह से आपको भी करना होगा। इरेजर कर लेना है ऑल चीज को, जैसे फ्रेंड टेबल, कुर्सी, ईंट, जो भी किस फ्रेंड आप रखे हैं, उस सारी चीजें को आपको इरेजर इस तरह से ही करना होगा, जिस तरह से इस फोटो को हम इरेजर कर रहे हैं उस तरह से। यहाँ पे हम अगर सब कुछ इरेजर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके कारण बस वीडियो स्क्रिप कर रहे हैं। सही के निशान पर टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फोटो हमारा कुछ इस प्रकार से इरेजर हो के तैयार हो गया है फ्रेंड। यहाँ से हम इस शेयर वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। शेयर वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे पर देखिए फ्रेंड, आपको सेव का आइकन दिखेगा, इस सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव कर लेंगे अपने गैलरी में। अब फ्रेंड देखिए हमारा फोटो सेव हो चुका है। अब फ्रेंड फिर से हम कैन मास्टर के एप्लीकेशन पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कैन मास्टर के एप्लीकेशन पे फिर से आ गए हैं। तो फ्रेंड आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लास्ट में आ जाना है। अब फ्रेंड जितना भी पिक हम यहाँ पे इरेजर किए हैं, जैसे कि फ्रेंड टेबल इरेजर किए हैं, कुर्सी इरेजर किए हैं, पाइप इरेजर किए हैं, उसके बाद ईंट इरेजर किए हैं, तो फ्रेंड ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम फिर से सेट करेंगे। यहाँ पे हम फ्रेंड लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड देखिए पिक्स पर चलेंगे हम। यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारा ये फोटो इरेजर होके आ गया है। फ्रेंड यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, इससे आपको इरेजर करने में आराम होगा। तो यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से फोटो सेट कर लेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड सेट हो गया है। अब फ्रेंड इसी तरह से जो है से टेबल का भी, कुर्सी का भी, हर एक चीज़ का यहाँ से हम सेव कर लेंगे। यहाँ से फिर से हम लेयर पर क्लिक करेंगे और फिर मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद फिर से हम पिक्स पर चलेंगे और यहाँ से हम टेबल ले लेंगे। टेबल ले लेने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए हम टेबल को कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। अब फिर से यहाँ पर हम लेयर पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर हम पिक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चेयर को ले लेंगे। चेयर ले लेने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से इसको भी यहाँ पे हम सेट कर देंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड हम सेट कर दिए हैं। अब फ्रेंड फिर से हम लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ से हम मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर पिक्स पर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड यहाँ से हम पाइप को ले लेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड अब पाइप कुछ इस प्रकार से सेट कर देंगे। अब फ्रेंड यहाँ से फिर से हम ईंट को ले लेंगे। फिर यहाँ पर हम लेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पर फिर से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर पिक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ईंट ले लेंगे। देखिए फ्रेंड सेट हो चुका है। अब फ्रेंड इस पर फिर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम इसे बड़ा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से वीडियो के अनुसार। फ्रेंड जितना बड़ा हमारा ऊपर का वीडियो है उतना बड़ा इस साड़ी
पिक के ड्यूरेशन को हम बड़ा कर लेंगे। अब फ्रेंड फिर से लास्ट में आ जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड चेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड चेयर वाली ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। चेयर वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड एक की का ऑप्शन दिखेगा, मतलब चाबी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आगे आ जाना है हमें। उसके बाद इस चेयर को कुछ इस प्रकार से ऊपर हम कर लेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड हम कुछ इस प्रकार से चेयर को छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ आएंगे। फिर फ्रेंड लास्ट में यहाँ आएंगे, यहाँ पे फिर से हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिर इस चेयर को रोटेट करके ऐसे करके फ्रेंड फिर से यहाँ पर लास्ट में आएगा और फिर से यहाँ पर हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सही के निशान पर टिक कर देंगे। फिर हम टेबल वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम की वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। की वाली ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से फिर इसे भी आगे ऐसे हम ले लेंगे और यहाँ से टेबल को कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ ले लेंगे। ऊपर की तरफ लेने के बाद यहाँ पे हम फ्रंट कुछ इस प्रकार से इसे हम छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद फ्रंट कुछ इस प्रकार से आपको आगे तरफ आ जाना है लास्ट में और यहाँ से फिर से हम प्लस आइकन पे क्लिक कर देंगे और इसे रोटेट करके ऐसे हम करके यहाँ हम लास्ट में फिर से हम प्लस आइकन पे क्लिक करके टिक कर देंगे। अब फ्रंट फिर ऐप को ले लेंगे, पाइप पे क्लिक करेंगे, फिर से हम की वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ इस प्रकार से आगे आएंगे और इसे हम कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ ले लेंगे और यहाँ पे इसको हम छोटा कर लेंगे और कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ फिर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद फ्रंट यहाँ पे हम फिर प्लस आइकन पे क्लिक कर देंगे और इसे हम रोटेट करके ऐसे फ्रंट यहाँ सेट कर देंगे। फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टिक कर लेंगे। अब फ्रेंड ईंट को ले लेंगे, हम पे क्लिक कर देंगे। ईंट पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ से फ्रेंड हम की वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ आएंगे यहाँ पे। अब फ्रेंड फिर से यहाँ से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस ईंट को कुछ इस प्रकार से पकड़ के यहाँ लाएंगे। यहाँ आने के बाद इसको हम कुछ इस प्रकार से छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद फ्रेंड फिर हम ईंट के लास्ट के तरफ आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पाने के बाद फ्रेंड इस प्लस आइकन पर क्लिक कर देंगे और इस ईंट को रोटेट करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। फिर से यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टिक कर देंगे। अब फ्रेंड यहाँ से हम अपना पिक को सेलेक्ट कर लेंगे, इस पिक पर क्लिक करेंगे। पिक पे क्लिक करने के बाद इस की वाला ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ आएंगे और इस पिक को कुछ इस प्रकार से ले लेंगे और ऊपर में कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हम टिक कर लेंगे। अब फ्रेंड यहाँ से हम नाइट वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। वो नाइट वाली फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे हमको लेयर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम मीडिया पे क्लिक करेंगे। मीडिया पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये नाइट वाली फ़ोटो रहा फ्रेंड, यहाँ से हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसे फ्रेंड कुछ इस प्रकार से हम कर लेंगे और इसे फ्रेंड कुछ इस प्रकार से हमें फुल स्क्रीन कर लेना है। इसका साइज कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमें बढ़ा लेना है। उसके बाद फिर इस नेट वाली पिक पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड इसको कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंड ब्लेंडिंग का ऑप्शन एक दिखेगा आपको। इस ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड यहाँ से देखिए इस पे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ से फ्रेंड हम सब पे क्लिक करके देख लेंगे जो कौन सा हमारे वीडियो में सूटेबल हो रहा है। तो यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए ये वाली बहुत अच्छा से सेट हो चुका है फ्रेंड, तो इसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से हम सही के निशान पर टिक कर देंगे। अगेन दोस्तों यहां से आपको थंडर वाली वीडियो ऐड कर लेना है। अब फ्रेंड थंडर वाली वीडियो ऐड करने के लिए यहां पर लेयर पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहां पर मीडिया पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहां पर फ्रेंड हम डाउनलोड करके रखे हैं पहले से, तो यहां देखिए फ्रेंड हम डाउनलोड करके रखे हैं। कुछ इस प्रकार से इसे हम आगे कर लेंगे और यहाँ से फ्रेंड देखिए एक क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, इस क्रोमा की पर हम क्लिक करेंगे और इसे हम अनेबल कर लेंगे। अनेबल करने के बाद यहाँ साइज कुछ इस प्रकार से हम बड़ा कर लेंगे फ्रेंड।
बड़ा कर लिए फ्रेंड। अब फ्रेंड फिर से हम क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड इसको हम कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे अच्छे ढंग से। अब अपने वीडियो के हिसाब से फ्रेंड इसे सेट कर लीजिएगा जिस तरह से हम अभी सेट कर रहे हैं। फ्रेंड देखिए सेट हो चुका है। हंडर वाली वीडियो पर फिर से क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड साइड में आपको 3 डॉट दिखेगा, इस डॉट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऊपर हम फ्रेंड देखिए डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड डुप्लीकेट देखिए हम इस हंडर वाली वीडियो को कर लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड इस वीडियो पर कुछ देर हम इस तरह से दबाएंगे और इसे खींच के कुछ इस प्रकार से हम इधर सेट कर लेंगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है फ्रेंड, उसे हम इस तरह से डिलीट कर लेंगे। अब फ्रेंड देखिए बन चुका है आपकी वीडियो। अब फ्रेंड आपको यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत होगी, यहाँ से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक अपने वीडियो में ऐड कर लेना है। मैं बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको इस म्यूजिक पर क्लिक करना होगा और यहाँ से फ्रेंड हम फोल्डर में चलेंगे। फोल्डर में चलने के बाद यहाँ से फ्रेंड हम डाउनलोड करके रखे हैं पहले से, इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड मेरा वीडियो है, इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रेंड हम प्लस आइकन पर क्लिक करके अपने वीडियो में सेव कर लेंगे। इसे फ्रेंड कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद फ्रेंड देखिए आपका वीडियो बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड आपको एक बार प्ले करके दिखा दे रहे जो वीडियो बनी है या कुछ कमी है, तो एक बार फ्रेंड इसे हम प्ले करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड देख लिए वीडियो एडिटिंग हो चुका है। तो फ्रेंड इस छोटा सा स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह से वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। और फ्रेंड इस हंडर वाली वीडियो को लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप इस हंडर वाली वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस मजा आया इस वीडियो को एडिटिंग करने में, तो गाइस आप जरूर समझ गए होंगे जो किस तरह से एडिटिंग किया जाए। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर फ्रेंड आपको इस वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजिंग हो तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड जाने से पहले इस वीडियो को जरूर एक लाइक करके जाइएगा, क्योंकि गाइस अगर आप एक लाइक करते हैं तो आपके भाई को काफी मोटिवेट मिलता है और आपके लिए इस तरह के कंटेंट बनाने में मजा आता है। तो इसलिए गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।